स्टोरीवीत और उन सुनने वाले सभी श्रोता सब में मैं अरुण गिरी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आदरणीय श्रोता, घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और ये समय है प्राइम टाइम नोबेल का, यानी कि रात्रिकालीन प्रस्तुति। आज की इस प्रस्तुति में आप लोग सुनेंगे सस्पेंस, थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री, एक साइकोलॉजी स्टोरी सीरीज जिसका नाम है मासूम कातिल। इसी सीरीज की ये 4th एपिसोड है। अगर इससे पहले आप लोग इस मर्डर मिस्ट्री साइकोलॉजिकल थ्रिलर स्टोरी सीरीज की पिछली एपिसोड अभी तक नहीं सुने हैं तो मेरी इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर आप लोग इस स्टोरी के प्रीवियस एपिसोड को सुन सकते हैं। जो भी फ्रेंड्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उपन्यास की कथानक और हमारी प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ज़्यादा देर नहीं करते और स्टोरी विथ अरुण पर आप लोगों को मैं सुना रहा हूँ सस्पेंस, थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री साइकोलॉजिकल स्टोरी सीरीज मासूम कातिल। सुनिए इसी सीरीज की 3rd एपिसोड आज अरुण के साथ। अगर हम दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर की बात करें तो इसमें एक नाम आता है। ये सीरियल किलर नाबालिग थी, इसलिए इसके नाम का खुलासा नहीं किया गया। फोटोग्राफर को इसकी पीठ से इसकी तस्वीर लेने की भी अनुमति दी गई थी, उनके नाम का खुलासा नहीं किया गया। बाद में नाम आमने सामने आ गया, लेकिन कुछ नियम ऐसे भी होते हैं जिनके तहत आप नाम नहीं बता सकते। ये कहानी है ब्राजील के एक शहर साओ पोलो की, हत्या की एक बहुत ही अजीब कहानी। अपराध करने वाले लोगों के पीछे निश्चित रूप से कोई ना कोई मकसद होता है, लेकिन इस कहानी में ऐसा है कि उसने अचानक अपराध करना शुरू कर दिया और जब उसने शुरुआत की तो उसे भी पता था कि मैं इसे कब खत्म करूंगी, मुझे कितना समय लगेगा, मैं आखिरी कत्ल कब करूंगी और मैं पुलिस के पास जाऊंगी और अपना अपराध कबूल करूंगी। यानी उसने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था और इसके पीछे उसकी सोच बहुत मजबूत थी। कहानी शुरू होती है 2009 से ब्राजील के एक शहर साओ पोलो से। ब्राजील में बहुत अपराध होते हैं। 2007-2008 में साउथ पोलो सिटी इलाके में कई लोग अलग अलग जगहों पर अपने बच्चों को मिस कर रहे थे। कोई मिसिंग की रिपोर्ट लिखवा रहा था तो कोई कुछ और ही रिपोर्ट लिख रहा था। ये सिलसिला चलता रहा लेकिन पुलिस को कोई लिंक नहीं मिल रहा था और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वे लापता लोगों के बारे में कोई जानकारी जुटा सकते हैं, इसलिए पुलिस भी खुद जांच कर रही थी। बीच में कुछ लाशें भी मिलती हैं। जब पुलिस उस लाश की पहचान करती है, कुछ लापता लोग कंपाउंड से मेल खाते हैं तो पता चलता है कि ये बच्चा कुछ महीने पहले लापता हो गया था और ये उसी की लाश है। और लाश अलग अलग जगहों से मिली थी, किसी हत्या से मरने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं था। तो एक तरफ गुमशुदगी की रिपोर्ट दूसरे पक्ष के बीच में मिल जाती, लेकिन ये सब क्या है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। ब्राजील की पुलिस भी खुद जांच कर रही थी। एक और बात कही गई है, उदाहरण के तौर पर हमारे देश में अगर पुलिस में आपकी अच्छी पहचान है या आपके बड़े संपर्क और पैसा है तो उनकी रिपोर्ट में पुलिस के काम को काफ़ी बदला जा सकता है और ये सब ब्राजील में बहुत अधिक है। ये भ्रष्टाचार के मामले में बहुत आगे है, पुलिस भी बहुत भ्रष्ट है क्योंकि इस सब बातों पर गैंगवार ड्रग माफिया का काफी दबदबा है। आपने ये सब कई फिल्मों में देखा होगा और पुलिस भी नेताओं के इशारे पर काम करती है।
ये माफिया के अधीन भी काम करता है। खैर, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये हमारे विचार में भी है। कई बार पुलिस आपका साथ देती है, कानून महज तमाशा बनकर रह जाता है। इतने सारे लोग गायब हो रहे थे, कुछ लाशें मिल रही थी, पुलिस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन कोई जानकारी, कोई सुराग नहीं जुटा पा रही थी पुलिस। अगस्त 2009 में साओ पोलो शहर में एक सड़क के किनारे एक मामूली झगड़ा हो रहा था। एक लड़की थी जिसकी उम्र 17 साल और कुछ 3-4 महीने होगी, जिसे बाद में उसकी जन्मतिथि के अनुसार पता लगाया गया। वो लड़की कुछ लड़कों से सड़क पर लड़ रही थी। जब झगड़ा हुआ तो पुलिस आ गई। उसके बाद पुलिस उन सभी को थाने ले गई, जहां उन्होंने पूछताछ शुरू की। आखिर इस झगड़े की वजह क्या थी? थोड़ी देर बाद लड़ाई एक तरफ मुड़ गई। लड़की ने जब कहानी सुनानी शुरू की तो पुलिस को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जो उसकी आखिरी लाइन थी, जो उसने कहा, उसके कहने पर जब पुलिस उसकी बताई गई लोकेशन पर पहुंचती है और चीजों का मिलान करने की कोशिश करती है, तो उन्हें पता चलता है कि वो लड़की सच बोल रही है। तो मामूली झगड़े में फंसी लड़की साओ पोलो पुलिस के सामने खड़े होकर ये बात कहती है, मैंने अब तक 30 हत्याएं की है। मैंने पिछले 2 वर्षों में ये टोटल हत्याएं की है। अब एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 17 साल और कुछ महीने है, जो 30 हत्याओं की बात करती है, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस को भी लगा कि वो बिना सिर पैर के बात कर रही है। लेकिन जब उसने तीसरी हत्या की कहानी बताई तो उसने लाश की बात कही। फिर पुलिस वहां पहुंची और उस लाश को देखकर तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई थी। एक पल को तो पुलिस को भी यकीन नहीं हुई कि इस वक्त जो अपने आंखों से देख रहा है और कानों से सुन रहे हैं, वो दोनों सच है। उसके बाद उन लोगों ने उस लड़की को ध्यान से देखा। वो समझ रहे थे, जिसे हम एक मामूली रोडवेज या झगड़े के सिलसिले में पकड़ के लाए हैं, वो लड़की एक्चुअली ब्राजील की सबसे बड़ी सीरियल किलर है और शायद सबसे कम उम्र की सीरियल किलर है। उसके बाद उसने 27वीं, 28वीं, 26वीं, 25वीं मर्डर की और अपनी पहली हत्या की कहानी बताई। पुलिस ने उसके बयान के अनुसार सारे रिकॉर्ड निकालने की कोशिश की। सारे रिकॉर्ड मेल खाते थे। जिस तरह से लड़की बयान देती थी, रिकॉर्ड उसी तरह से वो कहानी बयान करते थे। उन्होंने जो 30 नाम लिए, वे 30 में से 30 नाम सही थे। उसके बयान के अनुसार 30 नाम गायब होने की रिपोर्ट थी। उन 30ों में से कोई नहीं मिला था, केवल उनकी लाश मिली थी। अब जब एक लड़की ने ऐसा बयान दिया और सब कुछ साबित हो गया, तब लड़की ने अपनी आपबीती सुनाई। उसने बताया कि जब लड़की ने पहली बार उसकी हत्या की थी, तब उसकी उम्र महज 15 साल थी। इसके बाद उसने दूसरे और तीसरे को मौत के घाट उतार दिया। इसके मुताबिक जब भी वो हत्या करती थी, औसतन हर महीने एक हत्या करती थी। इसलिए उसने अगस्त में, फिर सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, हर एक महीने में एक कत्ल किया। कभी कभी ये 1.5 महीने का हो जाता था, लेकिन जब उसने पहली बार 2-3 हत्याएं की तो उसने एक निर्णय लिया था कि जिस दिन वो 18 साल की हो जाती है, वो पुलिस के पास जाएगी और अपना अपराध कबूल करेगी और बताएगी कि मैंने इतनी हत्याएं की है। अब उस लड़की के 18 साल से पहले भी, जब वो 15 साल की थी, उसे ये भी नहीं पता था कि उसने कितनी हत्याएं की है।
लेकिन उसने ये सोच रखा था कि उसके हाथ से चाहे जितनी भी हत्याएं क्यों ना हो जाए, वो पुलिस के पास जाकर अपना जुर्म कबूल कर ही लेगी। लेकिन 18 साल का होने से पहले, क्योंकि ब्राजील में भी नाबालिग को लेकर कानून है कि उन्हें कम सजा दी जाती है और उन्हें यहाँ चाइल्ड होम, चाइल्ड रिमांड रूम में रखा जाता है, इसलिए उसे पता था कि अगर पुलिस उसे 18 साल से पहले पकड़ लेती है और वो अपना जुर्म कबूल कर लेती है तो उसकी सज़ा बहुत कम होगी। लेकिन अगर वो 18 साल बाद ऐसा करती है तो ब्राज़ील के कानून के मुताबिक उसे अधिकतम सज़ा दी जाएगी। इसलिए उसने तय कर लिया था कि अगर वो नहीं पकड़ी गई तो वो खुद पुलिस के पास जाएगी और वो अपना जुर्म कबूल कर लेगी। इसलिए तीसवी की हत्या करने के बाद उसे लगा कि 18 साल पूरे होने में कुछ ही महीने बचे हैं, इसलिए अब अपराध स्वीकार किया जाना चाहिए। अब वो पुलिस थाने भी सीधे नहीं जाना चाहती थी, वो चाहती थी कि पुलिस उसे पकड़े, और इसलिए उसने अपनी योजना के तहत सड़क पर लड़ना शुरू कर दिया था। उसने कुछ लोगों से लड़ाई की, पुलिस ने आकर उसको पकड़ा और फिर ये कहानी शुरू की। अब सवाल उठता है कि उसने ये हत्या क्यों की। ऐसा नहीं है कि उसे सिर्फ गिनती करनी थी या शौक था या अचानक उसे ऐसा कर दिया था, तो फिर इसके पीछे की कहानी आखिर थी क्या। जब ये लड़की 15 साल की थी तब वो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक डांस बार में गई थी। ये 2007 की बात है। उस समय वो अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठी थी। कुछ लड़कों का एक ग्रुप था, उनमें से एक का लड़के के साथ झगड़ा हो गया। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ, इस झगड़े के दौरान दूसरे गुट के एक लड़के ने इस लड़की के मुंह पर अपना ड्रिंक फेंक दिया। इस लड़की को इस बात का बहुत बुरा लगा। बाद में लोगों ने फिर से बीच बचाव किया और दोनों शांत हो गए और फिर से अपने अपने घर चले गए। लेकिन उस लड़के की हरकत से उस लड़की को बहुत बुरा लगा था, क्योंकि उसने सबके सामने उसके मुंह पर ड्रिंक फेंक दी थी, जो उसके लिए बहुत बड़ा अपमान था। उसका ईगो हर्ट हुआ था। उसने उस समय सोचा था कि मैं इसका बदला जरूर लूंगी। इसके बाद उसने प्लानिंग शुरू कर दी। फिर वो अक्सर उस बार में जाती थी। वो लड़की से कई बार मिली, लेकिन इस लड़की ने कुछ अलग तरह की प्लानिंग की थी। फिर धीरे धीरे उस लड़के से दोस्ती कर ली और ऐसा व्यवहार करने लगी जैसे वो उस लड़ाई को भूल गई हो और उस लड़के की अच्छी दोस्त बन गई। फिर दोनों ग्रुप एक दूसरे के साथ मिलने जुलने लगे, दोनों ग्रुप अच्छे बनने लगे। दोनों गुट एक साथ बैठकर शराब पीते थे, लेकिन लड़के को नहीं पता था कि ये दोस्ती नहीं बल्कि धोखा है, उसके प्रति एक खौफनाक साजिश है। जब वो बहुत करीबी दोस्त बन गई तो एक दिन उसने उसे घर बुलाया। वो घर भी इसके लिए फायदेमंद था। वो थोड़े से आउट एरिया में थे जहाँ भीड़ कम थी। लड़की के माता पिता दोनों काम करते थे और बाहर रहते थे। वो अकेली थी, इसलिए उसने बहुत दोस्तों और उसका विश्वास जीतने के बाद एक दिन उसे घर बुलाया। घर पर फोन करने के बाद लड़की ने उसे ड्रिंक ऑफर की, जबकि वो पहले ही बहुत पीकर आ चुका था। लड़की ने एक चाकू खरीदा था, उसने ये सब पहले ही सेट कर रखा था। सही मौका देकर लड़की लड़के के सीने में खंजर मार देती है। उसके बाद वो एक के बाद एक कई बार उस लड़के के शरीर पर करती है। लड़का उसी समय मर जाता है। फिर वो लाश को उठाती है और घर के पीछे कहीं जाकर उसे दफना देती है। ये उसकी पहली हत्या थी। इसके बाद संयोग से किसी को कोई खबर नहीं मिलती है।
कोई शिकायत नहीं है, कुछ भी नहीं पता, किसी को इस लड़की पर संदेह नहीं है और ये लड़की कोई सबूत भी अपने पीछे नहीं छोड़ती है। 15 साल की उम्र में वो जानती थी कि सबूत क्या थे, फिंगरप्रिंट क्या थे, क्या होगा अगर ये लड़का मेरे साथ आ रहा है और कोई इसे मेरे साथ देख ले। तो उसने पहले से ही इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा था, बड़ी ही सावधानी बरती थी और इसलिए उसने उस लड़के का कत्ल करने के बाद अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था। जब उसने अपने घर पर इस लड़के को बुलाया तो उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया था, इनमें से कोई भी ग्रुप ये नहीं जानता था। लड़की ने अकेले लड़के से ये बात कही। एक पुलिसकर्मी या जासूस की तरह हर चीज का ख्याल रखा। उसने बहुत ही गहरे तरीके से ये सब योजना बनाई थी। ये उसकी पहली हत्या थी। उसने पुलिस को बताया कि लड़के की पहली हत्या करने के बाद उसे बहुत राहत मिली थी, एक आत्मिक सुकून मिला था कि आज मैंने अपनी उस बेइज्जती का बदला ले लिया जब उस लड़के ने मेरे मुंह पर ड्रिंक फेंकी थी। लेकिन इस हत्या के बाद एक और बात शुरू हो गई कि इसका किसी से झगड़ा होता, कोई छेड़ता या कोई इससे अपने पैसे मांगेगा, क्योंकि वो शराब पीती थी। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि माता पिता उसे हमेशा पैसा दे सके, इसलिए ये अपने दोस्तों से उधार लेती रहती थी और अगर कोई अपने पैसे वापस मांगता है तो इसे बहुत बुरा लगता। इसलिए जो लोग इसके साथ झगड़ा करते थे वे पैसे वापस मांगते थे। उसने उन सभी को मारने का फैसला किया जिनके साथ पैसों को लेकर इसका झगड़ा हो चुका था। इसके बाद उसने एक और हत्या कर दी। ये सब कुछ उसने 1 महीने के अंदर ही कर दिया। ये वही शख्स था जिसने उससे अपना पैसा वापस मांगा था। इस लड़की ने कहा था कि वो अगले महीने के पहले हफ्ते में उसे दे देगी, लेकिन लड़के ने उससे 2 बार पैसे मांगे और इस लड़की को बहुत बुरा लगा। फिर उसने उसी खामोशी से इस लड़के को अपने आसपास बुलाया और फिर उसी खंजर से उसकी हत्या कर दी। सड़क पर चलते समय अगर किसी से टक्कर हो जाती तो थोड़ा झगड़ा होता, वो भी उसकी लिस्ट में आ जाता। हर पीड़ित से लड़ाई के बाद वो पहले उसे दोस्ती करती और सॉरी कहती, फिर धीरे धीरे उसे अपने करीब लाती। इसके बाद उसे घर बुलाती थी और उसे जान से मार डालती थी। ये सभी कार्य इतने अस्पष्ट रूप से किए गए थे जैसे कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ था। उसने कई लाशों को कार में डाल दिया और उन्हें शहर की दूसरी तरफ ले जाकर फेंक दिया, क्योंकि उम्र कम थी और किसी को शक भी नहीं था। इसलिए इस तरह से उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया, जिन लोगों के साथ वो झगड़ा भी करती थी, जो लोग उससे पैसे मांगते थे। और सबसे अजीब बात ये थी कि उसने पहले वाले को मारने के लिए जो खंजर खरीदा था उसी खंजर से उसने 30 लोगों को मार डाला। उसने 30 में से 30 को मारने के लिए कभी भी किसी अन्य हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। उसने एक ही खंजर से 30 लोगों की हत्या कर दी। हर हत्या के बाद वो खंजर को धोकर साफ करती थी और बड़ी सावधानी से छिपा देती थी। जिस दिन उसे मारना होता था वो खंजर निकाल कर रख लेती थी, फिर उसे शिकार करती थी और उसे मार देती थी। तो ये सब चीज़ें होती रही। हर महीने हत्या करना उसकी दिनचर्या बन गई थी और उसके मन में ये भी था कि 18 साल की उम्र से पहले उसे खुद को पकड़वाना होगा ताकि सजा कम हो जाए। ये पूरी कहानी है जब उसने इस ब्राज़ील की पुलिस को सुनाया। ब्राज़ील की पुलिस ने जब इन सब बातों की जांच की तो लड़की का बयान एकदम सही निकला। मरने वालों के सभी नाम सही थे। फिर लड़की के ग्रुप के दोस्तों ने भी यही बात बताई
कि उसका लड़की से झगड़ा हुआ था। वे सभी सही थे, लेकिन ब्राजील की पुलिस ये नहीं समझ पाई कि उन्होंने छोटे छोटे झगड़ों से लोगों को मारना शुरू कर दिया, अक्सर सिर्फ कर्ज के लिए। उन्हें लगा कि इस लड़की के पीछे कोई ड्रग माफिया या आपराधिक गिरोह जरूर है जो इस लड़की से अपना काम करवा रहा है। ये सोचकर कि ये छोटी है और किसी को भी इस पर संदेह नहीं होगा, ब्राजील की पुलिस ने सोचा कि ये एक गिरोह के लिए सुपारी किलर की तरह काम कर सकता है। उस मामले की जांच की गई, लेकिन उसमें कोई सफलता नहीं मिली। और हैरान करने वाली बात ये थी कि 30 कत्ल करने का जो इस लड़की ने सोचा था वो आखिरकार सच हो गया। इसके बाद पकड़ी गई तो मामला नाबालिग समझकर चलता रहा और सब कुछ नाबालिग बनकर हुआ। ब्राजील के शहर साओ पोलो में इस खबर के आने के बाद जैसे हड़कंप मच गया हो, लेकिन वो नाबालिग थी इसलिए लड़की का नाम और उसकी तस्वीर दिखाने पर रोक लगा दी गई। लेकिन आखिरी खबर जो आई वो ये थी कि उसके द्वारा 30 लोगों की हत्या करने के बाद उसके नाबालिग होने पर उसे अधिकतम सजा नहीं मिली, उसे उम्र का लाभ मिला और कुछ समय तक वो रिमांड होम में रही और फिर निगरानी में रही। बताया जाता है कि बाद में उसे खामोशी के साथ छोड़ दिया गया और उसे विदा कर दिया गया। वो मासूम कातिल थी और अपनी मासूमियत के साथ ही वो बड़ी दरिंदगी के साथ 30 कत्ल कर चुकी थी। उसकी पहचान उजागर नहीं की गई ताकि जिस परिवार के लोगों की हत्या की गई थी वो उसे बदला न ले सके और वो किसी भी शहर में ठीक से रह सके। तो ये थी ऐसी लड़की की कहानी जिसने अपनी उम्र से लगभग दुगनी संख्या में कत्ल किए थे और ये कत्ल का सिलसिला 2 साल तक चलता रहा, हर एक महीने एक कत्ल। इस कहानी से हमें या हमारे समाज को क्या सीख मिलती है? असली गुनहगार कौन है? इस लड़की ने सबसे पहला जुर्म कब शुरू किया? क्या उसे उसी वक्त रोका जा सकता था? क्या इसमें परिवार, फैमिली और समाज का उत्तरदायित्व हो सकता था? क्या एक बिगड़े हुए माहौल में रहकर इसने अपना मानसिक संतुलन ऐसा कर लिया, या फिर इसके माता पिता ने इसे अच्छे बुरे का फर्क ही नहीं बताया कि जिंदगी में आने वाली परिस्थितियों से किस तरह सामना करना पड़ता है, किस तरह उनसे जूझना पड़ता है? अपने गुस्से को काबू में रखना, सब्र रखना कितना जरूरी है ताकि इंसान सही राह से भटक कर गुनाह के मार्ग पर कदम ना रख दे। अगर हर माता पिता इन सब छोटी छोटी चीज़ों पर बारीकी से काम करें तो दुनिया में कई मासूम जिंदगियां, कई परिवार बर्बाद होने से बच सकते हैं, क्योंकि परिवार, समाज और फैमिली मेंबर लगाए स्पेशली माँ बाप की कहीं ना कहीं कुछ कमी कमजोरी की वजह से ही ऐसे छोटे छोटे नाबालिग बच्चे अक्सर मासूम कातिल के रूप में परिणत हो जाते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठते हैं हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की साइको थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री स्टोरी विद अरुण पर अभी आप लोग सुन रहे थे सस्पेंस थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री साइकोलॉजिकल स्टोरी सीरीज मासूम कातिल। और ये सीरीज टोटल 5 एपिसोडों का है जिसके अंतर्गत ये 3रा एपिसोड आप लोगों ने सुना। इसके बाद इस स्टोरी सीरीज की 2 और कहानी आप लोग सुनेंगे जिसे लेकर आऊँगा मैं कल रात 9 बजे प्राइम टाइम नॉवेल में। लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सीरीज आप लोगों को कैसी लग रही है, इसकी स्टोरी आप लोगों को कैसा लग रहा है। हमेशा सजग रहिए, सावधान रहिए और समाज में होने वाली ऐसी घटनाओं को निरुत्साहित कीजिए, उसे रोकिए। और इसमें सबसे बड़ा अहम रोल होता है माँ बाप, पेरेंट्स का।
जो अपने बच्चों पर खास ध्यान दे, मनोवैज्ञानिक तरह से उन्हें समझे और उनकी कड़ी निगरानी करे ताकि बच्चे सही रास्ते भटककर गलत राह पर ना चल सके और छोटी उम्र में ही मासूम दरिंदे ना बन जाए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी इसी सीरीज में एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने से बड़ों का आदर भाव और सत्कार कीजिए, अपने से छोटे को माया ममता और दुलार दीजिए। इसी दिव्यवाणी के साथ आज की श्रृंखला से मैं आप सभी का प्रिय आरजे दोस्त अरुण गिरी भी विदा चाहता हूँ। लेकिन जाने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहानी और ये सीरीज आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो चलिए मिलता हूँ कल फिर इसी सीरीज के चौथे एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। नमस्कार।